कोका-कोला को ऑफिशियली 1886 में लॉन्च किया गया था। कोका-कोला को बेसिकली एक दवा के तौर पर डॉक्टर जॉन ने 1886 में अटलांटा में इजाद किया था। शुरू शुरू में कोका-कोला के हर गिलास में 9 मिलीग्राम कोकेन होती थी और ये अल्कोहलिक ड्रिंक भी थी, मगर 1903 में कोका-कोला से ड्रग्स के अज्जा को रिमूव कर दिया गया था। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जिनमें कोका-कोला को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये ममालिक नॉर्थ कोरिया और क्यूबा हैं। कोका-कोला कंपनी के पास इतने किस्म के ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं कि अगर एक आदमी रोज़ाना एक किस्म का ड्रिंक पिए तो तमाम किस्म के ड्रिंक पीने में उसे 9 साल लग जाएंगे। एक तहकीक से पता चला है कि कोका-कोला स्पेशली डाइट कोक स्पर्म को ख़त्म कर देती है। कोका-कोला का नाम इसके 2 बुनियादी अज्जा कोला नट्स और कोला लीव्स की वजह से कोका-कोला है। 340 मिलीलीटर कोका-कोला की बोतल में 39 ग्राम शुगर होती है। एक 30 साल 8 बच्चों की माँ 2 गैलन रोज़ाना 1 साल तक कोका-कोला पीती रही, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि कोका-कोला ने उस औरत के जिगर और दिल को ख़त्म कर दिया था और उसके सारे दांत कोका-कोला की वजह से ख़त्म हो गए थे। उसका एक बच्चा भी पैदा होने के बाद दांतों पर मौजूद कैल्शियम की सख्त तह से महरूम रहा। 3 लोगों ने 2006 में कोका-कोला का फार्मूला पेप्सी को $1.5 मिलियन में सेल करने की कोशिश की, मगर पेप्सी कोला ने कोक को और FBI को इन्फॉर्म कर दिया था। एक तहकीक से पता चला है कि रोज़ाना कोका-कोला पीने वालों में हार्ट अटैक के चांसेस 48% ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कोक नहीं पीते या कभी कभी पीते हैं। एक और तहकीक से ये भी पता चला है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोका-कोला पीने से आप फेफड़ों के मर्ज और दमा का शिकार हो सकते हैं। कोका-कोला हड्डियों से कैल्शियम को उतार देता है, जिसकी वजह से इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कोका-कोला खुराक को हज़म करने में मदद फराहम करता है, मैदा की खराबी को ख़त्म करता है और उल्टी की शिकायत को ख़त्म करता है। कोका-कोला रोज़ाना पीने से स्किन पे इतने ही बुरे असरात मुरतब होते हैं जितने के सिगरेट नोशी से। कोका-कोला पीने से आपकी जल्द खुश्क और झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाएगी।